तो आज की हमारी इस ऑनलाइन में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग। और एक्सेल वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करेंगे आज रेंज के बारे में। हमने प्रीवियस दो क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया एक्सेल के इसके बारे में, एक्सेल वीवीए के ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हमने शीट्स के बारे में बात किया, हमने वर्कबुक के बारे में बात किया, राइट? यस। तो आज हम बात करेंगे रेंज के बारे में। देखिए, रेंज जो पार्ट है वीवी का इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम रेंज के ऊपर ही सब कुछ करते हैं। हमें चार्ट लगाना, हमको पीडीएफ लगाना हो, हमको कुछ भी लगाना हो, हम पूरा काम किस पे करते हैं? रेंज पे करते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको रेंज को कैसे कॉल किया जाता है, ठीक है सर? तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट आरआर दिया, माइक्रो नेम, जैसे हमने विजुअल बेसिक में इंसर्ट मॉड्यूल लिया और यहाँ मॉड्यूल टू पे गए, बड़े से इंक्लूडेड था इसमें मॉड्यूल नहीं लिया। फिर एक माइक्रो बनाते हैं, उसका नाम हम जनरली आरआर देते हैं, लेकिन आप कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि रेंज को सिलेक्ट करने के लिए तीन चार तरीके होते हैं रेंज को कॉल करने का। पहला होता है रेंज अल्फा न्यूमेरिक, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दीजिए और जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए। मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ या एक्टिवेट करना चाहता हूँ वो डाल दिया हमने। या दूसरा तरीका है सेल्स R1C1, कि अगर मान लीजिए रो वन कॉलम वन डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट आप डाल सकते हैं। तो दो तरीके हैं। अगर आपके पास अल्फा न्यूमेरिक का एड्रेस पता है तो आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास रो वन R1C1 नंबर में है, मतलब रो नंबर कॉलम नंबर नंबर में है, तो आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा आपका मेथड है जो कि आप जानते ही हैं, एक्टिव सेल, जहां पे कर्सर है। और इसमें एक चौथा भी होता है, चौथा होता है सिलेक्शन। अब देखिए इसमें सिलेक्शन, एक्टिव सेल क्या है कि जहां पे कर्सर है हमारा, और सिलेक्शन क्या है कि जो एरिया हमने सिलेक्ट कर रखा है, दैट्स सिलेक्शन। तो चार मेथड है जिसके जरिए हम कॉपी करते हैं। अब चलिए हम सेल पे होने वाले कुछ काम के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आता है सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि बिना सिलेक्ट किए हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या धीरज जी कुछ कर सकते हैं? हेलो, कि बिना एरिया को सिलेक्ट किए हम ना कॉपी कर सकते हैं, ना हम फिल्टर लगा सकते हैं, ना पिवट, ना चार्ट, कुछ भी नहीं कर सकते बिना एरिया को सिलेक्ट किए हुए। राइट? इसलिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सिलेक्शन करने की बात हम करते हैं। तो सिलेक्शन करने का तरीका होता है एक रेंज A1 से, जो आपका एक्सेल का तरीका होता है ना कि आप एक्सेल में सिलेक्शन एड्रेस देते हैं, तो इस तरह से देते हैं A1 से G11 किसी भी फॉर्मूले में। ऐसे यहाँ पे भी हम दे सकते हैं G11 इन्वर्टेड कॉमा में, और उसके बाद मुझे इसको कॉपी करना है, सिलेक्ट करवाना है, क्या करवाना है, वो चीज आप यहाँ कर सकते हो। तो एक तरीका तो ए है आपका किसी एरिए को सिलेक्ट करने का। दूसरा तरीका आता है रेंज A1, G1। तो ये तरीका क्या है कि वो A1 पे कर्सर रखेगा और शिफ्ट के साथ G1 पे कर्सर रखेगा और एरिया को सिलेक्ट कर देगा। ये वीवी मेथड है और इसका यूज हम लोग यूज करते हैं डायनेमिक वगैरह सिलेक्शन में, ठीक है? तो जनरली हम वीवीए में इसी मेथड को यूज करते हैं,
बट हम ए भी ले सकते हैं, लेकिन जब डायनेमिक करना होता है तो हम इस मेथड को लेते हैं। उसी में बात आती है कि मान लीजिए मुझे अगर कुछ कुछ सेल सिलेक्ट करने हैं, कुछ कुछ सेल सिलेक्ट करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आता है रेंज, मतलब कि मल्टीपल सेल कंट्रोल प्रेस करके जो हम सिलेक्ट करते हैं उसके लिए कोड लिखते हैं A1। इन्वर्टेड कॉमा में आपको जो कोड जो सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, जितना सेल और फिर सिलेक्ट, या जो भी हम एक्शन करेंगे बाद की बात है। तो सिलेक्शन के तीन तरीके हैं। ए तरीका हो गया आपका एक्सेल का, दूसरा तरीका डायनेमिक तरीका हो गया जो हम इसका यूज करेंगे, और तीसरा मल्टीपल सेल सिलेक्शन का। तो ये तो नॉर्मल सिलेक्शन हो गए। अब बात करते हैं ऑटो सिलेक्शन की, मतलब कि मुझे पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रेंज, हम लोग जनरली कंट्रोल ए करते हैं ना यहाँ पे, तो जो कंट्रोल ए होता है वो करेंट रीजन का पार्ट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेंज, सॉरी A1.CurrentRegion, उसके बाद हम सिलेक्ट कॉपी जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो कंट्रोल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट तो नहीं होगा, क्योंकि एक्टिवेट किसी पर्टिकुलर एक सेल के होता है, चाहे मुझे सिलेक्ट कर देता हूँ। हाँ, तो फिर एक कंट्रोल ए करके इस तरह से सिलेक्शन कर लेगा। लेकिन मुझे कंट्रोल ए अगर मैं दो बार करता हूँ तो क्या होता है? एक एक दो बार, दो बार करते पूरा सेल सिलेक्ट हो जाता है। तो पूरा सीट मतलब इस पे क्लिक करके जो सिलेक्ट करते हैं वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए तरीका है आपका कि सेल्स डॉट सिलेक्ट, सेल्स डॉट सिलेक्ट लिखते हैं तो पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट होता है। ठीक है सर, लेकिन जब हम करंट एक मतलब कंट्रोल ए करते हैं सिलेक्शन में, तो हमारे पास दिक्कत क्या होता है कि देखिए ये एरिया भी सिलेक्ट हो गया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब मुझे जो हम बात करते हैं कर्सर को मूव करने का, हम लोग कंट्रोल प्रेस करते हैं तो कर्सर को लेफ्ट डाउन अप ये चीजें हम मूव करते हैं ना सर। एक बार इससे पहले जो आपने बात बताई वो एक बार बताना, ये आपने ए लिखा कॉलम पे। इसे क्या होता है कि ये सीक्वेंस लेता है कंट्रोल ए, तो मान लीजिए कि ये आपका फालतू डेटा लिखा हुआ है, कंट्रोल ए करोगे तो कंट्रोल ए इसको भी ले लेगा। ओके ओके ठीक है, समझे ना? तो इस पे हम अभी आते हैं इसका सोल्यूशन पे, लेकिन उससे पहले हमें कर्सर मूव करना होगा। मुझे कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करने पे कर्सर डायरेक्ट यहाँ चला आता है, एक ए फैसिलिटी कैसे हम करेंगे वीवी के थ्रू। सर ये जो सेल्स डॉट सिलेक्ट, तो हम बेसिकली ये तो यूज नहीं करते होंगे ना, क्योंकि पूरा तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी हमें कभी भी। कभी कभी होती है जरूरत जी, जैसे कि आपने एक डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाया, राइट? ओके, अब उस डैशबोर्ड रिपोर्ट आपका कनेक्टेड है आपके किसी टेबल से। अब मुझे उस रिपोर्ट को भेजना है बट टेबल नहीं। ओके, तो क्या आप एक एक सेल को जाके देखोगे कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगा है उसको तोड़ने के लिए? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम्पल मैं एक डैशबोर्ड लेता हूँ, लीजिए चलिए एक मैं कोई डैशबोर्ड एचआर का ही डैशबोर्ड ले लेता हूँ। देखा ये रहा एक हमारा रिपोर्ट, अब मुझे इस रिपोर्ट को मेल करना है, राइट? अब मेल करना है तो कैसे मेल करें, क्योंकि इसके साथ इसका डेटा भी भेजना पड़ेगा तभी तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा, वरना तो वहां पे सब एरर दिखेगा किसी को भेजूंगा तो जी। तो राइट क्लिक करके हम जब मूव एंड कॉपी करते हैं और क्रिएट कॉपी करते हैं, यहाँ पे रहा न्यू वर्क, इसमें वो नहीं आया स्लाइसर नहीं आया, लेकिन फॉर्मूला रिपोर्ट तो आ गया ना। स्लाइसर नहीं आया इसमें, तो मुझे पूरी की पूरी रिपोर्ट को क्या करना है? कॉपी करके नया सीट में पेस्ट करना है।
तो उस केस में हमें फॉर्मूला रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, पूरा सेल सिलेक्ट करके कॉपी करके उसी के ऊपर पेस्ट वैल्यू कर देते हैं। राइट राइट राइट। तो उस केस उस समय क्या होता है, हमारा कोई ऐसा रिपोर्ट दिक्कत नहीं करता है, मतलब कि फॉर्मूला दिक्कत नहीं करता है। तो बहुत सारी जगहों पर इसका यूज होता है पूरा सेल सिलेक्ट करने का, ऐसा बात नहीं है। Okay. और नहीं भी होता है तो पता तो होना चाहिए ना सर। हाँ सर, हाँ सर। नहीं भी पता तो होना चाहिए। चलिए तो अब बात करते हैं कि आगे कैसे करेंगे, मतलब कि एक कर्सर मूव कर्सर करने, हाँ कर्सर मूव करने की बात कर रहा था। तो रेंज हमने A1 से लिया डॉट एंड, और एंड कहाँ, आपको एक्सेल डाउन, एक्सेल लेफ्ट, एक्सेल राइट, कहाँ पे जाना है? एक्सेल डाउन। एक्सेल डाउन पे अगर जाना है, इंड तो सर डायरेक्ट नीचे चला जाएगा ना वो। एक मिनट रुक जाइए, अप होगा फिर एक्सेल अप होगा ऊपर। नहीं, एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट, डाउन मतलब यहां से डाउन, ए वन से डाउन नीचे। ओके ठीक है ना, समझ आ गया सर रिकॉर्ड। और इस सर इसमें बीच में अगर कोई गैप हो तो, फॉर एग्जांपल बीच में अगर मान लीजिए कोई गैप होगा तो आपका एक्सेल डाउन जो है यहीं पर रह जाएगा, क्योंकि मुझे पहुंचना है लास्ट में। तो उसके लिए हम लोग एक मेथड अपनाते हैं, हम क्या करते हैं सबसे लास्ट में जाते हैं, मतलब हम बोलते हैं कि ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट सिलेक्ट। अब क्या होगा, ये 65 यहाँ नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। अब 65,000 लिया इसलिए क्योंकि जब हम एक्सेलस फॉर्मूला वर्क पे अपनाएंगे ना, जैसे 2003 वाला, उसमें तो 65,000 समथिंग लो होता है ना, तो उसमें भी चल जाए, 2007 भी चल जाए, 13, 16 सब पे चल जाए। ओके, आपके पास अगर वर्जन फिक्स है कि 16 ही है तो आप इसमें 10 लाख ले लीजिए। ओके, अब डेटा कितना, आप जनरली मान लीजिए आपका डेटा 10,000-15,000 तक होता है, 65,000 ले लीजिए उतनी है, आपका डेटा 70-80,000 होता है तो आप 70-80,000 ले लीजिए। ए ऊपर से नीचे जाएगा सर। एक चीज पूछ लिया, ये जो नीचे वाला सेल सिर्फ सेलेक्ट करेगा या पूरी रेंज सेलेक्ट करेगा, मतलब नीचे वाला से कर्सर मूव करेगा सर, सिर्फ कर्सर को मूव करेगा, कर्सर मूव कर रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अभी अभी हम कंट्रोल के साथ अप करते हैं ना, तो कर्सर यहाँ पहुंच गया ना, यह कर्सर पहुंच जाएगा। ओके, बट सर अगर मान लीजिए मेरे को रेंज सेलेक्ट करवानी हो A1 से A11 पूरा, बताते हैं थोड़ा सा सब रखिए। तो यहाँ पे हो गया, तो हम चारों तरफ मूव करा सकते हैं। तो अब देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, इसे बताता हूँ। तो मूव कराने समझ में आ गया ना, डाउन एक्सेल अप लेफ्ट राइट सारा करा सकते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। तो अब मैं क्या करना है कि हमें कर्सर कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे प्रेस करना है और फिर डाउन लेके आना है, ये करना है। तो रेंज के साथ हमने यहाँ पे बोला A1, रेंज, अब दो फॉर्मूले को यहाँ मर्ज कर रहे हैं इस मेथड से, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो स्टार्टिंग क्या है, A1, और एंडिंग के लिए हमने क्या कर लिख दिया, रेंज A1 से डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट, टू लेफ्ट ही होगा ना, हाँ लेफ्ट ही होगा, डॉट सेलेक्ट। अब क्या होगा कि एक यहां से कर्सर उठाएगा और यहां तक जाएगा, ठीक है। तो बचपन में बहुत लेफ्ट राइट किया था हमने। सर एक सवाल है छोटा सा, अभी मेरा डेटाबेस है तो उसमें क्या है कि डेटा अपेंड करना पड़ता है मुझे, ठीक है, तो अभी वो 1.5 लाख समथिंग हो चुका है उसका अकाउंट। हम बात करेंगे उस पर भी, बात करेंगे अभी, इस टॉपिक को फिनिश करने दीजिए ना, वरना मैं भटक जाऊंगा टॉपिक से, फिर क्या पढ़ाने वाला हूँ दिमाग से निकल जाएगा। ओके,
तो यहाँ हो गया, तो ये क्या हुआ कि इसको सिलेक्ट कर लिया। अब फिर इसको यहां से नीचे तक की तरफ लाना है, तो फिर मैं रेंज, अब यहां पे क्या होगा कि ये सिलेक्टेड है ना आपके, मैंने बोला हम सिलेक्शन को भी ले सकते हैं, तो हमने बोला कि मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है सिलेक्शन और एंडिंग पोजीशन है सिलेक्शन। अब रेंज पे जो भी हम एक्शन अप्लाई कर सकते हैं वो सब एक्टिव सेल और सिलेक्शन पे भी कर सकते हैं, तो सिलेक्शन डॉट एंड एक्सल डाउन ये नहीं आएगा या लिखना पड़ेगा आपको डॉट सिलेक्ट। अब दो लाइन अगर आप लिखते हैं तो पहला लाइन क्या करेगा कि A1 से राइट की तरफ सिलेक्ट कर देगा, और दूसरा लाइन क्या करेगा कि जो सिलेक्टेड है उस सिलेक्टेड को नीचे की तरफ ले आएगा और आपका एरिया सिलेक्ट कर देगा, बशर्ते आपका हेडिंग में कोई दिक्कत ना हो। ओके, समझ गया। लेकिन जब प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लीजिए कि ए बी ब्लैंक है और ए बी ब्लैंक है, राइट अब प्रॉब्लम क्या होगा कि यहां से यहां इतना एरिया सिलेक्ट होगा आपका, बट मुझे सिलेक्ट पूरा एरिया करना है, तो यहां पे हम थोड़ा सा तिग्रम वाला मेथड अपनाते हैं। अब यहां पे हम वेरिएबल लेंगे कि यहां लिखेंगे आर, आर इज, इसमें लिखेंगे रेंज और लिखेंगे कि ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो। अब इसका जो रो नंबर है ये रो नंबर आर पे आ जाएगा, समझ गए। अब सी के लिए, कॉलन के लिए हम लिखते हैं रेंज एक्स एफ डी 1 डॉट एंड एक्सएल 2 लेफ्ट डॉट कॉलन। मतलब हमने बोला कि सबसे लास्ट में जाएगा ये एक्स एफ डी 1 ही है ना, यहां से कंट्रोल लेफ्ट एरो को प्रेस करेगा और सबसे लास्ट वाला हेडिंग पे आ जाएगा और सबसे लास्ट वाली हेडिंग का कॉलम नंबर यहां डाल देगा। अब मेरे पास मेरा स्टार्टिंग हमें A1 पता है, एंडिंग का रो और कॉलम, कॉलम एंड रो पता है, समझे। तो अब यहां पे हम दोनों इसको भी और इसको भी दोनों को कंबाइन करेंगे, क्योंकि आपके पास अगर नंबर में रो और नंबर में कॉलन हो तो हम सेल्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि रेंज A1 द स्टार्टिंग पोजीशंस और सेल्स हम बोलेंगे R, C और फिर करेंगे सिलेक्ट, तो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, एनी डाउट्स? नहीं किसी को सर। तो ये सर, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का मेथड बाद में बताओगे आप, लेकिन जैसे हम फिलहाल जैसे आप मैथमेटिक्स में आप एक्स वाई जेड लेते हो ना, ऐसे आप यहाँ पे एक्स वाई जेड ले सकते हो। हमने यहाँ पे हालांकि इसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन बगैर डिफाइन किए भी आप यूज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट वो वेरिएंट हो जाता है। ओके, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम आपको आगे की एक दो क्लास बाद बताएंगे, ठीक है ना। थ्योरिकल पार्ट है, पहले इसको यूज टू कर लोगे तो फिर समझ में आएगा, इसलिए इसको बाद में बताएंगे। अगर सर ये जैसे अगर मैं कोड कोड लिखता हूँ, हेलो, अगर ऐसे सिंपली मैं कोड लिखता हूँ कोई बिना वेरिएबल डिफाइन किए हुए, तो ये काम करेगा? काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, करता है काम। ओके, ठीक है। अगर ज्यादा दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे नंबर है तो यहाँ पे एक कर दीजिएगा कि डिम आर एज ए लॉन्ग, डिम सी एज ए लॉन्ग, अगर दिक्कत है तो डिफाइन कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। हालांकि इसके बारे में मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इसका टाइम नहीं आया हुआ है, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे ही एक्स वाई जेड ऐसे ही बिना डिफाइन की ही यूज कर सकते हो। अब होगी, अब बात अभी तो ये हो गई, अब बात करता हूं कि मैं अपना कर्सर को नीचे ले जाना चाहता हूं, नीचे, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट ब्लैंक रो,
ताकि कोई नई वैल्यू हम अपेंड कर सके, समझे? तो उसके लिए तरीका क्या है, यहां पे हम लिख सकते हैं रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस आप, नहीं 65,000 माफ कीजिएगा, हम फिलहाल ए वन से ही चलते हैं, फिर 65,000 मतलब बताऊंगा, डॉट एंड एक्सेलेस डाउन। अब डाउन तक क्या होगा कि डाउन तक कर्सर यहां पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा सर। डाउन के बाद मुझे अगली एक रो जाना है, तो हम यहां पे ऑफसेट का इस्तेमाल, यहां लिखेंगे 1,0, मतलब कि 1 रो और 0 कॉलम, 0 कॉलम के क्योंकि सेम कॉलम में चाहिए, और फिर यहां पे हम जो भी मेथड देना चाहे दे सकते हैं, सिलेक्ट या कुछ भी करना सकते हैं। तो कर्सर यहां पहुंच गया, जो टाइप करवाना चाहो टाइप करवा सकते हो, और टाइप कैसे होगा तो हम आगे की क्लास में बताएंगे, लेकिन फिलहाल कर्सर तो यहां पहुंच गया ना। लेकिन अगर बीच में कोई ब्लैंक हुआ तो कर्सर नहीं पहुंचेगा, तो उस केस में हम 65,000 वाला मेथड लेके चलेंगे कि ए 65,000 डॉट एंड, और फिर यहां पे देंगे एक्सेलेस अप और डॉट ऑफसेट। इस कोड का ज्यादा इस्तेमाल करता हूं मैं, ध्यान रखिएगा, डॉट सेलेक्ट राइट सर। ये मैं 65,000 के लिए थोड़ा सा यही है, सपोज डेटा का काउंट 1.5 लाख 2 लाख है तो 65,000 काम नहीं करेगा ना। हाँ, 1.5 लाख 2 लाख, आप 10 लाख दे दीजिए, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। या फिर एक तरीका और है, एक और तरीका है, हम पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो तरीका आपका है ना, ये वाली तरीका दिख रहा है आपको सर, ये तरीका दिख रहा है, इसी तरीका को अपनाएंगे कि पहले हम उसका रो देख लेंगे, फिर हम करेंगे कि रेंज, नहीं ये तरीका काम का नहीं है, माफ कीजिएगा। हाँ, मतलब कि अगर इसमें ब्लैंक नहीं है, अगर बिल्कुल ब्लैंक नहीं है तो क्या करते हैं पता है आपको सर, तब करेंगे हम यहाँ पे आर इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, और फिर इसमें दे देंगे रेंज ए बाई ए, और फिर लिखेंगे कि रेंज ए इसके साथ कंबाइन हो जाएगा आर प्लस वन डॉट सेलेक्ट। अभी काउंट ए क्या करेगा कि ए एक्सेल फॉर्मूला है, तो एक्सेल फॉर्मूला क्या करेगा कि इसके सेल में कितने नंबर ऑफ फिल सेल है वो निकाल के दे देगा आपको। 11 दे दिया, अब 11 प्लस 1 12, तो 12 पे चला जाएगा आपका। ये भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत वही होगा, अगर ब्लैंक बीच में हुआ तो काउंट आपका कम देगा, जैसे बीच में ब्लैंक कर दिया तो काउंट 10 ही देगा, 10 प्लस 11 इसी को ओवरराइड कर देगा। तो यहाँ पे उसी हिसाब से हम काउंट देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कोड और था यहाँ पे, मैं इसको रन करके देखना है, काफी पहले हम इसको यूज करते थे, बहुत पहले यूज करते थे। आर इक्वल टू रेंज, नहीं यहाँ पे रेंज ए वन डॉट सर, ये एक्सेल अप डाउन से सीधे नीचे चला जाता है सबसे नीचे, और फिर वहां से फिर एक्सेल अप। हाँ, सही बोल रहे आप। एक कोड था जो कि लास्ट फिल को पहुंचा देता था, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, लास्ट रो बता देता था, यूज्ड रो,
यूज रो करके एक था शायद। हाँ यूज्ड, नहीं, भूल रहा हूँ मैं, जब मैं अपने लर्निंग के टाइम में उसका इस्तेमाल करता था, लेकिन उसके बाद उतना कारगर नहीं था इसलिए हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। कारगर उतना नहीं था वो। इंटर कॉलम रो, हाँ इंड रो सर, इंड रो एंड रो, कहाँ एंड रो है, नहीं इंटायर रो है, तो पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करता है, पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बताता हूँ उसके बारे में, बताता हूँ आपको अभी। सर ऐसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ओके अब ऐसे कर सकते हैं कि जैसे सेलेक्ट किया है रेंज ए डॉट इंड एक्सेल डाउन डॉट ऑफसेट, फिर वहां से हम जो डॉट सेलेक्ट कर रहे हैं वहां से हम करेंगे तरीके एक्सेल अप, करेंगे ऊपर चला जाएगा। तो, तरीके तो बहुत सारे हैं, तरीके तो बहुत सारे हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात जी करते हैं कि मुझे अगर पूरा का पूरा एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है या रो सेलेक्ट करना है, राइट, तो क्या करना है? तो उसके लिए जो कोड होता है हमारा, चलिए उसके बारे में बताता हूँ आपको। उसके लिए कोड होता है कि रेंज, एक तो आप ए बाई ए इस तरह से लिख सकते हो, डॉट सिलेक्ट, ए एंटायर रो सिलेक्ट कर देगा, आपका कॉलम सिलेक्ट कर देगा, या रो के लिए क्या लिखेंगे हम, रेंज 1 बाई 1 डॉट सिलेक्ट। लेकिन कभी कभी ए एरर देता है, कभी कभी बहुत सारे कंडीशंस पे देता है, तो उस केस में हम देते यहाँ पे ए ओ, यहाँ पे ए 1 और यहाँ पे देते हैं एंटायर रो डॉट सिलेक्ट, या जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। उसी तरह से आपके यहाँ पे रेंज, आपको रो चाहिए, कॉलम चाहिए, तो ए 1 डॉट एंटायर कॉलम डॉट लेफ्ट सिलेक्ट। तो सिलेक्शन करने का चीजें तो समझ में आ गया आप लोगों को, सिलेक्शन कर सकते हैं आप। तो एक कोड जो है आप लोगों को मैं मेल कर देता हूं, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, कल हम इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके सर, मेरा प्रीवियस क्लास का आपने भेजा नहीं मुझे। मैं सर मुझे ढूंढना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लिया था, दोपहर में आज ढूंढ के आपको भेज दूंगा सर। प्लीज सर आज की क्लास की और करा देना प्लीज। आज की क्लास तो मैं अभी जस्ट यूट्यूब पे डाल दूंगा, हाँ, ठीक है ना, लेकिन हर क्लास लिंक दे देना सर, उसका हर लिंक दे क्लास देना। आप यूट्यूब से ले लीजिएगा, अभी जो 10 मिनट में जो वीडियो अपलोड होगी वही होगा आपका। अच्छा 10 मिनट में जो होगी, हाँ ठीक है ना, ओके और हर वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाल सकता सर, सो प्लीज नहीं नहीं समझ सकते। हर वीडियो डाल दूंगा फिर दाल रोटी दिक्कत हो जाएगी ना सर। चलिए तो मैं मेल कर देता हूँ सब आदमी को।